नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। निर्वाचन आयोग ने यूपी, पंजाब और केरल में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को 20 नवंबर कर दिया है। 14 विधानसभा सीटों पर बदलाव हुआ है, जिसमें 9 यूपी, 4 पंजाब और 1 केरल की सीट शामिल है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। तारीख में बदलाव विभिन्न दलों की गुजारिश पर किया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की, जिसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों की सहायता करना है। अब तक 2.58 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 23.7 लाख सफलतापूर्वक रजिस्टर हुए हैं। रजिस्ट्रेशन करने वालों को 15,000 रुपए की टूलकिट राशि ई वाउचर के माध्यम से दी गई है। आवेदन pmviswakarma.gov.in पर किया जा सकता है। वरुण धवन अपनी आगामी फिल्म बेबी जॉन में एक्शन अवतार में नजर आएंगे, जो क्रिसमस पर रिलीज होगी। टीजर में वरुण खाकी वर्दी में जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। फिल्म में कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी भी मुख्य भूमिका में हैं। टीजर में एक प्रेरणादायक संवाद के साथ वरुण के दो अलग अलग लुक दिखाए गए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले हुए सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप ने स्विंग स्टेटस में मामूली बढ़त बनाई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई विदेशी फंड के अचानक निकासी और रुपए की गिरावट से निपटने के लिए तैयार है। आरबीआई ने 688.27 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार रखा है और मुद्रास्फीति पर नजर रख रहा है। महिंद्रा अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV9E और BE6E 26 नवंबर 2024 को चेन्नई में अनलिमिट इंडिया इवेंट में लॉन्च करेगी। ये एसयूवी इन ग्लोब प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो सुरक्षा, हाईटेक सुविधाएं और लंबी रेंज का ध्यान रखती है। इनका बोल्ड डिजाइन और प्रीमियम अनुभव भारतीय बाजार में अलग पहचान बनाने की क्षमता रखते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 4 नवंबर को एक बस दुर्घटना में 36 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए। बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री नीतीश और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा भी की गई है। एक्ट्रेस हेलेना ल्यूक मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी का अमेरिका में निधन हो गया। उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द में काम किया था। 1979 में मिथुन से शादी के 4 महीने बाद उनका तलाक हो गया। निधन से कुछ घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अजीब भावनाओं का जिक्र किया था। कारण अभी स्पष्ट नहीं है। उत्तराखंड में 2000 पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन 8 नवंबर 2024 से 29 नवंबर 2024 तक होंगे। योग्यताएं 10+2 पास से, आयु 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए और आवेदन शुल्क 300 रुपये जनरल या 150 रुपये आरक्षित वर्ग से चयनित लिए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों का वेतन 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक होगा। पुष्पा टू द रूल 5 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फाजल मुख्य भूमिकाओं में हैं। पहले पार्ट की सफलता के बाद फिल्म ने अमेरिका में एडवांस बुकिंग में $250 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। प्रोड्यूसर ने कहा है कि फिल्म का कुल बिजनेस 1,000 करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान है। 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी विधायक वहीद पारा ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर बीजेपी विधायकों ने विरोध किया। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रस्ताव को महत्वहीन बताया, कहा कि ये केवल प्रचार के लिए लाया गया है। पारा पर विधानसभा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। गूगल मौजूदा समय में गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, खासकर ओपन एआई के चैट जीपीटी द्वारा लॉन्च किए गए एआई सर्च इंजन के कारण। गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट का अधिकांश मुनाफा गूगल सर्च से आता है, लेकिन कमाई में कमी चिंता का विषय बन गई है। अल्फाबेट का मार्केट कैप $2.12 ट्रिलियन है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने GD भर्ती 2025 के लिए आवेदन पत्र में सुधार करने का मौका दिया है। इच्छुक उम्मीदवार 5 से 7 नवंबर के बीच अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। कुल 39,481 पदों के लिए ये भर्ती महत्वपूर्ण है, इसलिए उम्मीदवारों को समय सीमा के भीतर सुधार करना जरूरी है। भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती घंटों में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स 1,100 अंक गिरकर 78,602.96 पर पहुंच गया। मुख्य कारण विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड निकासी और आर्थिक अनिश्चितताएं हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट आई। वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि और आने वाले अमेरिकी चुनाव ने भी बाजार पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। क्रिकेट में पिच का सही होना जीत हार में महत्वपूर्ण है। खराब पिच जैसे अत्यधिक सूखा या गीला खेल के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा पिच को खराब करने पर डिमेरिट पॉइंट्स और जुर्माना लगाया जा सकता है। बार बार खराब पिच पर अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। भारत ने 704.885 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बनने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। अमेरिका, जर्मनी और कनाडा को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था अब दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जबकि आईएमएफ ने इसे दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया है। फेडरल रिजर्व की बैठक से बाजार पर दबाव है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका अकाउंट किसी अन्य डिवाइस पर लॉगिन नहीं है। ऐप में लिंक्ड डिवाइस विकल्प की जांच करें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें, संदिग्ध लिंक से बचें और व्हाट्सएप पर खरीदारी करते समय सतर्क रहें। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पिन का उपयोग करें। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पुनीत चंडोक ने भारत में एआई के विकास को लेकर आशावाद व्यक्त किया है। विशेष रूप से कोपायलट जैसे टूल्स की लोकप्रियता के कारण उन्होंने सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम और सक्रिय डेवलपर्स की संख्या इसे एक वैश्विक एआई सेंटर बनने की दिशा में ले जा रही है। बीएसएनएल ने 2025 में अपनी 5G सेवाओं के रोल आउट की पुष्टि की है। कंपनी 4G साइट्स को 5G में अपग्रेड कर रही है और 1,00,000 साइट्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। बीएसएनएल का 5G नेटवर्क 3.6 GHz और 700 MHz बैंड पर आधारित होगा, जो ग्राहकों को तेज इंटरनेट और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सर्दियों में मनी प्लांट के पत्तों के पीले पड़ने से बचाने के लिए उन्हें सीधी धूप में कुछ घंटे रखें और रात को ओस से बचाएं। मिट्टी में नमी बनाए रखें लेकिन अधिक पानी ना दें। फर्टिलाइजिंग कम करें और 2 महीने में एक बार नीम की खली का उपयोग करें। नियमित कटिंग से पौधों को घना रखें। टाटा पंच की शुरुआती कीमत 6.13 लाख रुपए है, लेकिन बाजार में कई प्रतिस्पर्धी विकल्प मौजूद हैं। 6.60 लाख रुपए मारुति बेलेनो, 6.66 लाख रुपए टोयोटो ग्लैंजा, 6.86 लाख रुपए और मारुति फ्रॉनेक्स 7.51 लाख रुपए में बेहतरीन फीचर्स और प्रदर्शन के साथ हैं। रेनॉल्ट किगर भी 6.50 लाख रुपए में कनेक्टिविटी और सुरक्षा तकनीक के साथ आकर्षक है। सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने जयपुर टूर के दौरान देश की विविधता और पगड़ी की अहमियत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पगड़ी हमारी शान है। उन्होंने 10 शहरों के दौरे की घोषणा की, जिसमें हैदराबाद और पुणे शामिल है। हाल ही में उन्होंने फिल्म भूल भुलैया 3 का टाइटल ट्रैक हरे राम पेश किया है, जिसमें पिटबुल का रैप भी शामिल है। भोजपुरी सॉन्ग मरून कलर सरिया, जिसमें आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ की रोमांटिक जोड़ी है, यूट्यूब पर 210 मिलियन बार देखा गया है। ये गाना देहाती अंदाज और सादगी के लिए पसंद किया जा रहा है। इसे 12 मार्च को लॉन्च किया गया था और सोशल मीडिया पर इसे काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कंप्यूटर बाजार अगले 5 वर्षों में 5.1% सालाना बढ़ने की संभावना है। अगस्त तिमाही में लैपटॉप का आयात 10.8% बढ़ा, खासकर एप्पल के योगदान से। भारत में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नए नीतिगत उपायों पर विचार किया जा रहा है। मारुति सुजुकी इंडिया ने अक्टूबर में अपने यात्री कार उत्पादन में 16% की कमी की, जो 79,174 इकाई रहा। वहीं यूटिलिटी वाहनों का उत्पादन 33% बढ़कर 72,339 इकाई हो गया, जबकि छोटी कारों का उत्पादन 12,787 इकाई रह गया। कुल मिलाकर कंपनी का उत्पादन बढ़कर 1,77,312 इकाई हो गया है। नवंबर 2024 के लिए 12 छुट्टियों की सूची जारी की है, जिसमें धार्मिक और क्षेत्रीय त्यौहार शामिल हैं। प्रमुख छुट्टियां छठ पूजा 7 से 8 नवंबर, दूसरा शनिवार 9 नवंबर और गुरु नानक जयंती 15 नवंबर को है। ग्राहकों को वीकेंड और छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। केनरा बैंक ने 2 आंतरिक लोकपाल पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 6 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 70 वर्ष से कम होनी चाहिए और कोई आवेदन शुल्क नहीं है। चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू शामिल है। कार्यस्थल बैंगलोर होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB ने घोषणा की है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक के छात्रों को वार्षिक परीक्षा में बैठने के लिए सेंटअप परीक्षा पास करना होगा। फेल छात्रों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, जिससे पढ़ाई का दबाव बढ़ गया है। इस निर्णय से छात्रों की तैयारी और परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।
स्मार्टफोन हैकिंग बढ़ती समस्या है जिससे व्यक्तिगत डेटा खतरे में पड़ सकता है। हैकिंग के संकेतों में अनजान ऐप्स, तेजी से डिस्चार्ज होती बैटरी, बिना कारण फोन का चालू या बंद होना और अधिक पॉपअप विज्ञापन शामिल है। यदि आपका फोन हैक हो गया है तो अनजान ऐप्स डिलीट करें, फैक्ट्री रिसेट करें, पासवर्ड बदलें और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। SBI और ICICI बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में कई बदलाव किए हैं, जैसे यूटिलिटी बिल भुगतान पर 1% अतिरिक्त शुल्क और सरकारी लेनदेन पर रिवॉर्ड बंद करना। ICICI ने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और बीमा लाभ में कटौती की है। ये परिवर्तन क्रेडिट कार्ड धारकों को के खर्चों और रिवॉर्ड अर्जन को प्रभावित कर सकते हैं। BSEB ने 2025 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षाओं की तिथियां घोषित की हैं। मैट्रिक परीक्षा 19 से 22 नवंबर और इंटर परीक्षा 11 से 18 नवंबर को होगी। 75% उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा का मूल्यांकन 2 दिसंबर और 25 नवंबर तक किया जाएगा। ये सेंटर परीक्षा वार्षिक परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कॉमेंट किया था उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, नीतीश मिश्रा, रंजीत कुमार, सपना कुमारी मोहम्मद, साकिर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।